नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, बड़ी खबर है पाकिस्तान से। हमारा पड़ोसी मुल्क इस वक्त अपने एग्जिस्टेंस क्राइसिस से जूझ रहा है, यानी कि उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कभी IMF, कभी रशिया, कभी चीन, कभी सऊदी अरब, कभी तुर्की, तो कभी कोई और। तो इसलिए देखिए कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त खस्ता है। कभी भी कोई भी ऐसा वक्त आ सकता है जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। डिफॉल्ट मतलब कि उसके पास जीरो, यानी कि एक भी रुपया विदेशी भंडार में नहीं रहेगा। ये खबर देखिए है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI, वहां STP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान से खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान के बैंकों ने एक ब्याज दर एक सेट कर रखा, जो कि इन्फ्लेशन के चलते, महंगाई के चलते 17% हो चुका था, जो कि भारत में 7.5%, तो 17% से अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बढ़ाकर उसको उसमें अगर बात की जाए तो बेसिस पॉइंट सिस्टम होता है जिसके जरिए ब्याज दर पता चलता है कि जो बैंक का ब्याज दर कितना होगा। तो इस वक्त अगर बेसिस BPS देखा जाए तो पाकिस्तान का BPS 20 से 50 के बीच में है, जिसमें 17% की आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन अब जो BPS है वो 20 और 50 नहीं, वो सीधा 200 पे पहुंचने वाला है। जी हाँ, ये बड़ी खबर देखिए पाकिस्तान से आ रही है कि अब पाकिस्तान में ब्याज दर जो होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आप मान के चलिए कि 34 से 50 के बीच में हो जाएगा ब्याज दर, जो कि देखिए काफी ज्यादा है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्याज दर पाकिस्तान के लोग ही चुकाएंगे। और काफी बड़ी खबर ये पाकिस्तान से ही आ रही है। तो अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार पाकिस्तान डिफॉल्ट कब करेगा और उसको जो मदद पहुंचाने वाला सबसे पहला देश कौन सा बनेगा, क्योंकि चीन ने तो देखिए पहले $74 करोड़ दे दिए थे, एक हफ्ते पहले की बात है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को अपना महीना चलाने के लिए, अपने आने वाले वक्त बचाने के लिए और पैसों की जरूरत है। अभी देखने वाली बात होगी कि क्या भारत की तरफ निगाहें डालेगा पाकिस्तान। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।